पहले तो मुझे टीम ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि गर्ल्स लोग आती नहीं है, खेलते नहीं है, पेरेंट्स मना करते हैं, ये वो वॉट एवर रीजन, डांस क्लास ज्वाइन करना है, ये करना है, क्रिकेट में वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे बोल के तो बहुत मुश्किल से मेरे को टीम मिली। पहली बात तो सिर्फ 8 दिन के अंदर टीम रेडी हुआ, 8 दिन के अंदर सब फेस देख सकते हो, सबके सब धूप में खेल के काले हो गए मेरे प्लेयर्स। सो आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ माई टीम, ईच एंड एवरी प्लेयर। और बॉलिंग फील्डिंग बहुत अच्छा था, बैटिंग में हाँ सम हाउ वी आर लैकिंग बिहाइंड, आई कम्प्लीटली एग्री विथ इट, बट उतना मैं कहना चाहूंगी कि रनर अप टीम से मेरे टीम का परफॉर्मेंस वॉज लॉट बेटर। ओके, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आई जस्ट फील के आई एम प्राउड ऑफ बींग अ गर्ल के आज स्टेज पे आए हम लोग पिंक कलर, लेडी का पिंक कलर, पिंक कलर का मान रखते हुए। सो आगे भी मैं हम लोग वही कोशिश करेंगे, वी आर फ्रॉम जकास जादव ऑल्सो। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ओके, आई वुड लाइक टू ओके सॉरी बदी, जितनी भी फीमेल्स हैं मेरी कम्युनिटी की, मैं चाहती हूँ कि सब लोग बाहर आए और अपने तरफ से जितने भी एफर्ट्स है वो दें। मैं जितना एफर्ट्स दे रही हूँ उसका मैं 100% देती हूँ और उनसे मुझे 101% चाहिए, ऐसा मैं उनको अपील कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको आज कैसा लगा, आपके टीम के बारे में आप बताइए, आपको कैसा लगा आपके टीम में? बहुत अच्छा लगा, सब टीम मेंबर्स ने बहुत अच्छे से खेला, बहुत अच्छा लगा। आपको बैट्समैन और बॉलर में कैसे, किस तरह से आपने तैयारी की थी और किस तरह आपको लग रहा था? तैयारी तो ऐसे कुछ की नहीं थी, 4 प्लेयर तो ऐसे जो सुबह ही आए हैं, देखा भी नहीं था कैसे खेलते हैं, बट एकदम बेस्ट एक प्लेयर हम लोग के पास बहुत अच्छा था, दैट श्रद्धा मारू, शी इज वॉज वेरी गुड और हो गया। आप इस ये जो फर्स्ट आपने लिया है, आप अभी समाज को क्या, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हम लोग ने एक ये बनाया महिला वडियारा समाज संघ, एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है जो बनाया, उसी से मेंबर्स सिलेक्ट किए थे वुमेन्स के भी, और इसी में मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग SSC भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो वुमेन्स SSC पास होना चाहती है इस साल वो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, हमें मेको या दीपिका भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट ईयर में अगर आप PM हुआ तो आप किस तरह तैयारी करोगे, किस तरह आप आओगे? एकदम जोरदार, और टीम नहीं 4-5 टीम लेके आएंगे, हम लोग हम ही जीतेंगे। दैट्स अ स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज रियली गुड। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह आपने तैयारी की थी, आपकी टीम भी काफी पावरफुल थी, नाम ही पावरफुल है, आपको क्या लगा और आपके कहाँ पे आपको खामी दिखाई दी जो आप नेक्स्ट ईयर आप वहाँ पे उसको सुधारना चाहेंगे? हिंदी नेक्स्ट ईयर मैं और परिवार लोग को और इकट्ठा करना चाहूंगा, और जहाँ भी है, अभी तो सिर्फ मुंबई में से ही आया प्लेयर, मैं चाहता हूँ कि गांव से भी आए परिवार सपोर्ट करने के लिए, जैसे सूरत है, भावनगर है, सब जगह हमारा गांव है, वहाँ से भी हम लोग को सपोर्ट करने के लिए प्लेयर आए। आपको क्या लगता है आपका बैट्समैन में खामी थी या आपके बॉलर ठीक नहीं थे, कहाँ पे आपको लग रहा है? एक्चुअली हमारे में कुछ खामी नहीं थी, पर हम लोग लूज हुए क्योंकि विन और लूज तो होते रहता है, तो ये तो गेम का पार्ट है, विन और लूज तो कभी कभी होते रहता है, ऐसे तो विन और लूज तो होते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, और काफी पावरफुल से आप खेले, थैंक यू वेरी मच। आप आज जो आपकी टीम विनिंग हुई है, जीते हैं, आपने किस तरह तैयारी की थी? मुझे लग रहा था पहले से ही आपने काफी अच्छी तरह खेल रहे थे, तो आपको किस तरह लग रहा था, आपने क्या बोलना चाहेंगे आप? तैयारी 1 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी, और मुझे हम लोग को सोलंकी को लड़के लोग भी अच्छे मिले, और ये सब लड़के की मेहनत है जो आज हम लोग फाइनल तक पहुँचे, ये सब लड़के लोग के ही अच्छा योगदान है, और लड़के लोग ने इतनी मेहनत की, लड़के लोग ने इतना फाइनल तक की टीम बनाई हम लोग ने, और टोटल 20 में से हम लोग ने 12 हम लोग ने सेलेक्ट करके और एक परफेक्ट टीम बनाई और यहाँ आके फाइनल जीते। आप ग्राउंड में रणनीति कैसे बना रहे थे?
ग्राउंड में रणनीति तो बॉलर के साथ जमा रहे थे, बॉलर जहाँ बॉल डाल रहा था हम लोग वहाँ वो साइड पैक कर रहे थे, बस जिसी को जो अच्छा खेल रहा था उसको टारगेट कर रहे थे बस। नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्या तैयारी करेंगे? नेक्स्ट ईयर के लिए तो और इससे भी, ये तो थोड़ा टाइम कम था, नेक्स्ट ईयर के लिए तो एकदम पैक करके आऊंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास और भी सवाल, बोलो। मेरा भाईजो पंचायत की मेहनत, बाबा रामजो पीर की मेहनत और मंथन वाले की मेहनत, तीनों की मेहनत से यह अच्छा प्रोग्राम हो गया और सुख शांति जो हुआ सब माता जी दिया, अच्छा काम हो गया। बोलो रविदास बापू की जय।